लूसी सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती है और क्या आप उन सारे कप को देख रहे हैं? मुझे डर है कि ब्रिटनी और माइक की कुछ और ही योजना है जिसमें मजाक शामिल है। ओह, केवल समस्या यह है कि शरारत का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लूसी अच्छी और वास्तविक तौर पर गुस्सा हो रही है और इसका बदला गंभीर रूप से लेगी। यह 100 परतों की चुनौती होगी। यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। डोनट्स, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? लूसी सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकली और उसे बहुत सारे मिले हैं। जरा रुको, माइक लड़की को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे संभालना है। ब्रिटनी के पास केवल एक है, बेचारी। लेकिन लूसी एक विशाल गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रही है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहो, इसे गिरना नहीं चाहिए। नहीं माइक, कृपया नहीं, मत करो। उसकी भारी छींक ने डोनट्स के पूरे निर्माण को एक झटके में गिरा दिया। यह जरूर ही एक भारी शक्तिशाली छींक रही होगी। वह डोनट्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया। अब लूसी को शांत करने कौन जा रहा है? चलो अब अतीत के बारे में भूलकर आगे बढ़ते हैं और इन स्वादिष्ट बर्गर को देखते हुए कौन परेशान हो सकता है? माइक को केवल एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्रिटनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं। वह तो गिनने तक की जहमत नहीं उठाना चाहती। उसे पता है कि वह बहुत सारे हैं। लूसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए और वह एक बहुत ही मूल दृष्टिकोण के साथ जाने का फैसला करती है और उन सबको दबा कर एक साधारण संभालने लायक आकार का बनाती है। जरा देखो उस छोटे से बर्गर को, उसके मुंह में डालने के लिए एकदम सही आकार। ब्रिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी मदद मिल सकती है, पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होगी। ओह, उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत होना चाहिए। वह इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर तैयार कर लेते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी 100 बर्गर का स्वाद है। लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोध के साथ वापस आ गया। ओह, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता। माइक फिर से सबको ढक्कन हटाने को कहता है। लूसी ने अपना ढक्कन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे। और माइक की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है और ब्रिटनी की भी। केवल सादा ब्रेड, कितना उबाऊ। नहीं दोस्तों, निर्णय लेने में इतनी जल्दी मत करो। न्यूटेला ने टेबल पर अपनी जगह ले ली है जो कि बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए हमें बर्तनों की भी जरूरत होगी। चाकू या चम्मच के बिना दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ यह है तुम तीनों के लिए। कोई भी अन्य की तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तव में कुछ विशेष अलग तरह का मिला है। लूसी पागलों की तरह हंस रही है, पर उसे ध्यान केंद्रित करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वह विशाल चम्मच का उपयोग कैसे करेगी अपने न्यूटेला स्प्रेड के लिए। वह इतनी भी मूर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंत में समाधान खोज लिया। माइक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वह बस खुशी से खा रहा है। ब्रिटनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उस छोटी सी गुड़िया के हाथों के जोड़ों के साथ वह क्या करेगी। शायद इसे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। और वह करती है, बुरा नहीं है, पर यह स्पष्ट रूप से एक लंबा समय लेगा। उसे बहुत सारे ब्रेड मिले हैं। कोई बड़ा हाथ शायद जल्दी जल्दी यह काम कर सके। ब्रिटनी ने
ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर वह कुछ काम कर रही है तो वह कम देखभाल के साथ काम नहीं कर सकती। ओरियोस तो लाजवाब होते हैं, पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है। ब्रिटनी को कुछ और मिले हैं जो कि अच्छा है, और इसका मतलब है कि बाकी सारे ओरियोस माइक का इंतजार कर रहे हैं। ये तो कुकी का पहाड़ है। रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परतें लगानी होंगी। यह तो बहुत मजेदार होता है। यह टावर बहुत ही अनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है, इसके बारे में भूल नहीं सकते। यह तीनों पेशेवर आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है। किसी तरह की परेशानी या दहशत की जरूरत नहीं है। कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए हैं और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि माइक यह सब सुनने को तैयार नहीं है और वह ब्रिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकड़ों को ब्रिटनी की ओर बढ़ा देता है। खैर, अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा। ब्रिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूध के भी वह सारे कुकीज को खा रही है, जो कि और भी प्रभावशाली है। हॉट डॉग्स, आपको क्या अधिक पसंद है, ये या बर्गर्स? माइक का चेहरा बता रहा है कि उसे हॉट डॉग ज्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक बार फिर से सबसे ज्यादा मिला है। पर सॉस नहीं, हम इसे ठीक करना होगा। माइक थोड़ा परेशान है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मानना ही होगा। लड़कियां पहले से ही अपने व्यंजन को खाना शुरू भी कर दी, जो एक अच्छी योजना थी। अरे यार, ये बहुत ही ज्यादा है। माइक वास्तव में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गड़बड़ फैला दी है। मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था। अब बंद भी करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है, हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है। खैर, यह दौर बहुत मजेदार था, है ना? क्या यह बहुत शानदार नहीं होगा कि यह चुनौतियां बस चलती ही रहे? सकर्स। क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है? हमने सोचा है। शुरुआत के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बहुत सारे हैं, जैसा कि ब्रिटनी के पास है, तब तो आपको आनंद अंतहीन होगा। ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है? क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है, ब्रिटनी? ओह, जैसा कि मैं इससे डर रही थी, यह बुरा हो रहा है। माइक, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। लूसी, तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी। यह गंभीर काम है। अब खींचो साथ में, तुम कर सकते हो। ओह, उनकी संयुक्त ताकत ने आखिरकार चाल चली। गॉश! शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटनी ने अपने दांत नहीं गवाए। अब यह पूरे सप्ताह चलेगा। पता नहीं क्यों, पर कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता। डर लग रहा है। खैर, लगना भी चाहिए। गॉश! हम इस चुनौती का अंत प्याज के साथ कर रहे हैं, और किसी को यह बहुत सारा मिला है, और वो है ब्रिटनी। हमें तुमसे सहानुभूति है, पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गंध बहुत भयानक है और ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। हमारी तिकड़ी पूरी बहादुरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है, यह जानते हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है। न,
लूसी वास्तव में बहुत रो रही है या प्याज की गलती है, यह काम उसके बर्दाश्त के बाहर है। ब्रिटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। आज ही के दिन उसने वाटरप्रूफ मस्कारा का उपयोग नहीं किया। माइक इस सबके लिए तैयार नहीं था और वो जब वह देखता है तो डर जाता है। इसके लिए इन लड़कियों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी मेकअप इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी झलक में यह वास्तव में डरावना से ज्यादा हास्यास्पद था। पता लगाते हैं दोस्तों, यह तुम्हारे लिए है। तब तक मैं बाकी चीज तैयार करती हूँ। तो तुम लोगों को एक ड्रोन का चित्र बनाना होगा। हड़बड़ी मत करो, पहले तुम्हें आग पर यह पट्टी लगानी पड़ेगी। मुझे लगता है यह मुश्किल होगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बस महत्वपूर्ण है कि सही रंग मिल जाए। मुझे लगता है मेरा हो गया। बस बाहर के आउटलाइन करना बाकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम यह कैसे कर पा रहे हो। मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है। जैकब, लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत आसान हो रहा है। नाक में इतनी खुजली क्यों हो रही है? अब तुम्हारी बारी जैस। चलो तुम्हारे ड्राइंग को उल्टा कर देते हैं। वैसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। रुक जाओ, यह क्या बकवास मैंने बनाया है? कितना भयानक लग रहा है। और मैंने काफी अच्छा किया। जैस, मुझे माफ करना, पर जैकब जीत गया। पर मैं जीतना चाहती थी। वाह, कितना बढ़िया है यह। मैं हार नहीं मानूंगी। चलो इसे उड़ाती हूँ। यह तुम क्या कर रही हो जैस? बाय जैकब। कितना ऊंचा, मुझे डर लग रहा है। इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। देखो कितना बड़ा स्नीकर है। कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलो शुरू करें। इस बार मैं नहीं हार सकती। मैं सीधी लाइन खींचने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, यह असली स्नीकर मेरी मदद करेगी। मैं बस इसके सहारे लाइन खींचूंगा और बस हो गया। चलो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा परेशान करूंगी। भूकंप! इस तरह ड्राइंग बनाना नामुमकिन है। पेंसिल भी टूट गई। दोस्तों, समय समाप्त हो रहा है। शुक्र है मेरा सर तो चकरा रहा था। पेंसिल नीचे रखो। ठीक है, तो कैसा है? सच कहूं तो उतना अच्छा नहीं। देखते हैं तुमने क्या बनाया है जैकब। यह बहुत अच्छा है। वाह, स्नीकर तुम्हारा है। मुझे पता था यह मैं कर सकता हूँ। तुम बस भाग्यशाली निकले। हारने की आदत डाल लो जैस। ओह मैन, लगता है फिर से तुम लोगों को थोड़ा परेशान करने का समय आ गया है। कितनी बार? जैकब, उठो। अरे दिख रहा है तुम्हारा सर चकरा रहा है। ओह कितना स्वादिष्ट है। मैं तो लगभग तुम्हारे बारे में भूल ही गई। चॉकलेट फाउंटेन, वाह। इसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने चश्मे दो। अब देखते हैं कि तुम कैसे बना पाते हो। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे पेंट्स कहाँ हैं? अब तुम बनाओ ड्राइंग जैकब। किसी भी हाल में तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। वैसे मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं सीधे चॉकलेट के साथ पेंटिंग करती हूँ, एकदम असली लगेगा। ahem
समय समाप्त। मुझे तुम लोगों की ड्राइंग देखनी है। क्या मेरा अच्छा है? हाँ ठीक है, लेकिन फिर जैकब का बेहतर निकला। फाउंटेन तुम्हारा है। ओह मैन, मैं फिर हार गई। कितना स्वादिष्ट है यह। मैंने पहले कभी इतना चॉकलेट नहीं खाया है। इस बार तुम लोग कुछ बहुत ही विशेष ड्राइंग करोगे। एक खूबसूरत ड्रेस, कितना सुंदर है। क्या तुम मजाक कर रही हो? चलो बातें बंद करो और ड्राइंग शुरू करो। मुझे पूरा यकीन है उस ड्रेस में तो मैं एक असली फिल्म स्टार दिखूंगी। तुम कितने सपने देखती हो जैस? क्या आप ड्राइंग शुरू भी करोगी? तुम सही कह रहे हो, मुझे बहुत अच्छा करना होगा। लड़ने लायक कुछ तो होना चाहिए। इस दौर में तो मुझे पेंटिंग करने का कोई मन ही नहीं है। जैस मुझसे बात करो ना। तो मुझे परेशान मत करो, जल्दी करो। मेरा तो हो गया, बस अब ये थोड़ा ग्लिटर। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी वजह से हर जगह बिखर गया। अब तुम यह लो। बेकार स्पार्कल्स, इन्हें मेरे ड्राइंग पर डालने की कोई जरूरत नहीं थी। रुक जाओ और अपना ड्राइंग दिखाओ। मैंने बहुत कोशिश की है, इस बार बुरा नहीं है। और यह रहा मेरा ड्राइंग, कितना खूबसूरत है। लेकिन मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने मना क्यों किया। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? सरप्राइज, एक जिंदा मेंढक। कितना गंदा लग रहा है। हाँ, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ था जैका? खुद ही मेंढक की तरह दिख रहे थे। समय बीत रहा है, बातें बंद करो। इस बार भी मुझे ड्राइंग करने का कोई मन नहीं है। ऐसे ही कुछ भी बना लेता हूँ। चिंता मत करो जैकब, मैं सब करती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पूरी मेहनत करनी होगी। काफी अच्छा लग रहा है। मैंने काफी बढ़िया काम किया और मैंने हारने के लिए सब कुछ किया। ओ, और उधर क्या है? अब जल्दी से ड्राइंग बदल देती हूँ। ओह मैन, मैं चित्र देखने के लिए तैयार हूँ। कौन जीता यह तो स्पष्ट है। बेशक तुम जैकब, जल्दी से मेढक ले लो। बधाई हो। मुझे मेंढक से डर लगता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, एक गेमिंग सेट मिला है। यह पाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। अफसोस है लेकिन तुम सफल नहीं होगी। इसके बारे में देख लेंगे। मैं अच्छे से तैयारी करके आई हूँ। एकदम सही गणना करनी होगी। मेरा लगभग सब तैयार है और मुझे समय कम पड़ गया। लेकिन जो है सो है जैस। बुरा नहीं है जैकब। और मेरा कैसा है? बहुत बेकार जैस। तुम फिर जीत गए जैकब। जैस थोड़ी जगह बनाओ। मुझे खेलना कितना पसंद है। सब ने मुझे छोड़ दिया।
एकदम नया आईफोन। यह उपहार कैसा लगा? मेरे पास शब्द ही नहीं है। अरे हाँ, यह तो कमाल का है। चलो जैस, इसके लिए चुनौती शुरू। अच्छा है कि मैं अपने साथ यह ले आया था। मेरा एकदम असली की तरह लगेगा। मेरी ड्राइंग तैयार है, अब इसे काटती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ठीक आईफोन की तरह लगेगा। और मेरा कागज पर यह एकदम असली लगेगा। रुक जाओ, सब तैयार है। यहाँ देखो, इसे कहते हैं असली कला। निर्णय लेना आसान नहीं है, लेकिन विजेता है जैस। मुझे पता था ये मैं कर सकती हूँ। मैं सबसे महत्वपूर्ण समय पर हार गया। मुझे डंबक क्यों चाहिए होगा? हाँ, बहुत बढ़िया जैस। अब विश्वसनीय होने जा रहा है। एक कुकी, इतना थोड़ा? सच में यह ठीक नहीं है। यह कितना गलत है, तुम्हें तो ओरियोस का पूरा पहाड़ मिला है। अब अपनी भूखी आंखों से मेरे ओरियो को घूरना बंद करो। ठीक है, मैं अपने वाले को देखती हूँ। इसका स्वाद कितना बढ़िया है। मैं तो साथ में आसमान पर चली जाऊंगी। माफ करना, मैं एक और कुकी लूंगी। अरे, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं था। यह क्रीमी फ्रॉस्टिंग हमेशा से मेरा पसंदीदा हिस्सा रहा है। कैसा रहेगा अगर मैं इन सबको एक जगह जमा कर लूं? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और अब मैं इन सबसे एक मीठा टावर बनाऊंगा। यह काफी नहीं है, मुझे थोड़ा और अधिक परत लगाने की जरूरत है। पहले से बहुत अधिक है, पर फिर भी बहुत ऊंचा नहीं है। 100, मिशन पूरा हुआ। अरे यार, मुझे भी वैसी ओरियो चाहिए। इसके तो तुम सपने ही देखो, यह पूरा खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। अरे क्या थोड़ा भी नहीं दे सकते? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए जैकब, पर मैं अभी भी ले सकती हूँ। स्वादिष्ट। वो लगता है तुम्हें काफी तीखा खाना मिला है। यह पक्का है। मैं इतने सारे मिर्च कभी नहीं खा पाऊंगा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, खाना ही पड़ेगा। यार, यह अच्छा है कि मुझे ज्यादा नूडल्स मिले हैं और सिर्फ एक मिर्च। पर फिर भी यह आग लगाने के लिए काफी है। नूडल्स, मुझे बचाओ। तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ? हंसना बंद करो और अपना खाना देखो। चलो अब खाना शुरू करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। खैर, शुक्रिया सूजी। मुझे शुभकामनाएं दो। ऐसा लगता है कुछ भयानक होने वाला है। आग! सूजी, मेरी मदद करो। धन्यवाद, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। अरे कोई बात नहीं। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभावशाली, पर बच्चे में मिर्च का क्या? वाह, प्रिंगल्स, मेरा पसंदीदा। मेरा भी।
अजीब बात है, यह खाली है। इसके पेंदे में एक छेद है। ओह, खुशी की बात है कि तुम्हें अपना हिस्सा मिल गया और आशा है कि मुझे भी मिल जाएगा। अरे यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाल बटन। तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं एक बिल्कुल नहीं लालची लड़की। लगता है मुझे इस बटन को दबाना होगा। कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है यह टूटा हुआ है। तुमने क्या किया जैकब? ये तो प्रिंगल का तूफान आ गया। आ, मैं गिर रहा हूँ। ओह मैन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। अच्छी बात है कि वो रुक गया। ओह मैन, इस ब्रोकली के अलावा कुछ भी मिल जाता, यह बहुत बेकार है। यह तो अविश्वसनीय है, लग रहा है 100 ब्रोकली के टुकड़े हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम इतना सारा कैसे खा पाओगी, यह असंभव है। तुम्हें किसी भी तरह यह करना ही होगा। मेरा छोटा सा पौधा तुम्हारे जंगल के सामने बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं खाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि इसे आसान कैसे बना सकते हैं। हेलो चेनसॉ, अब मैं इस जंगल को काट दूंगी। सावधान यार, माफ करना, मैं इस काम में खो गई थी। ठीक है, अब कम से कम यह मुंह में फिटाने लायक छोटे टुकड़ों में कट गया है, और यह बड़ा सा स्ट्रॉ मुझे इसे जल्दी खाने में मदद करेगा। सब थोड़ा ही बचा है। वाह, तुम तो मानव वैक्यूम क्लीनर हो। आ, लग रहा है ब्रोकली अटक गई है। माफ करना, बस यह गलती से। मुझे क्यों हमेशा स्वादिष्ट चीज कम मिलता है? क्योंकि आज किस्मत मेरे पर मेहरबान है। हमेशा की तरह मुझे जो मिला है उसको अच्छा बनाने की जरूरत है। शुक्र है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। देखो मैंने कितना बड़ा बबल फुलाया है। यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सिखाता कि यह कैसे किया जाता है। इतना सारा गम, बहुत बढ़िया। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार में सारा अपने मुँह में डालने के लिए तैयार हूँ। यह अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे शिष्टाचार चुनौतियों के लिए नहीं होते हैं। अब समय है एक विशाल बबल्स को फुलाने का, तैयार हो जाओ। वाह, मैं इसे माप कर देखती हूँ। मेरा संतुलन बिगड़ गया। सोजी, तुमने मेरा बबल फोड़ दिया, हालांकि यह मजेदार निकला। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतने सारे डोनट्स हैं। ये तुम्हें भी दिख रहा है, मैंने सोचा ये एक सपना था। खैर, मेरे लिए एक बुरा सपना की तरह है, मुझे बस एक डोनट मिला है। पर अगर मैं इस पर कुछ व्हिप्ड क्रीम मिला दूं तो यह बेहतर हो जाएगा, और अगर इस पर चॉकलेट सॉस भी डाल दूं तो यह सोने पे सुहागा होगा। जब तक कि तुम इसके टॉपिंग्स पर काम कर रहे हो, मैं क्यों ना कुछ मस्टर्ड सॉस डाल दूं। मैं तैयार हूँ अपनी इस पाक कलाकृति को चखने के लिए। यह तीखा क्यों है? इसका स्वाद, मुझे तुरंत अपना मुंह किसी चीज से साफ करना होगा। मैं देख रही हूँ कि अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, इसका मतलब अब मैं शुरू कर सकती हूँ। ओह, यह तो लाजवाब है। उफ, मैंने बहुत सारे खा लिए और ये अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं।
अब मैं इनका उपयोग अलग काम के लिए करूंगी। मैं हमेशा से जगलिंग सीखना चाहती थी। तुमने क्या कहा सूजी? माफ करना, मैं अच्छे से सुन नहीं सकता। ओह जैकब, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। चॉकलेट, मैं इसका इंतजार शुरू से ही कर रही थी। ओ, और यह कुकीज से भरा हुआ है, स्वादिष्ट। यह बहुत हुआ, अब जरा एक नजर इधर देखो। क्या तुमने इससे पहले कभी 100 चॉकलेट एक साथ देखी है? मुझे पता है मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैं अभी दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट सॉस बनाने वाला हूँ। बस एक मिनट के लिए चालू करता हूँ। हो गया। बू, सांप, जैकब इसे हटाओ यहाँ से। शांत हो जाओ सूजी, वो असली नहीं, प्लास्टिक का है। कितने दुख की बात है, तुम्हें मेरा मजाक पसंद नहीं आया। लेकिन चलो, असफलता पर ध्यान ना देकर अच्छी चीज की ओर ध्यान देते हैं। यह कितना सारा चॉकलेट है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हें पता नहीं कि कितना स्वादिष्ट है। इससे तुम्हारी मूंछ बन गई है और मुझे यह पसंद है।